आज की इस क्लास में हम लोग लगभग आपके 1000 क्वेश्चंस देखेंगे। ये लूस एंड के आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं, और एक तरह से आप कहिए कि निचोड़ है, ठीक है। इसमें आप वो क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं या तो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछने की पूरी संभावना है। तो मुझे लगता है कि ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। अगर आप वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि रट लेना चाहिए आप लोगों के क्वेश्चंस, क्योंकि वन डे एग्जाम में अधिकतर लोग क्या करते हैं, रटते हैं। सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस में आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, तो उसमें रटने का काम कम ही होता है। लेकिन आप वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, और वो जो दरोगा होती है, पुलिस होती है, शिक्षक भर्ती होती है, तो इसमें रटने पर भरोसा करते हैं लोग। तो चलिए, इसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण 1000 के करीब क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध गया में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ए कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। याद रखिए, यहाँ भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा पूछ रहा है, तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य निकलता है, किस राज्य से? ये अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश से। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? डायबिटीज, यानी कि मधुमेह, ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। किसका? असम का। अब आपसे इसीलिए तो बोलता हूँ कि आप लोग पुराने जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 5 से 6 साल के क्वेश्चंस पेपर देख लिया करिए उठा के। अब बिहू वाला ये देखिए, ये त्योहार आप लोग कई बार सुनते हैं, कई परीक्षाओं में आप लोगों ने देखा होगा कि पूछा जा चुका है। तो 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर कम से कम देख लिया करिएगा। तो इससे क्या होता है, एक अंदाजा मालूम चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की संभावना होती है, ठीक है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आप देखते हैं, विटामिन सी ये आंवले में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये देखेंगे, विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। किस में? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। आप जानते हैं ना राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल आप देखेंगे तमिलनाडु का त्योहार है। कहाँ? कहाँ का? तमिलनाडु का। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये पंजाब के हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। जॉन लॉगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आप जो फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं ना, तो मछली किसकी से? गलफड़ों की। गलफड़ों की, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो ये आप देखिए, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। कहाँ? अमृतसर में, पंजाब, ठीक है। 1919 ईस्वी के कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को आप लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। सांडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। सांडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो यह है मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। आप बताइए अपने अपने राज्यों की, कि आपके राज्य में सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन, मुख्यमंत्री कौन रही है महिला, और राज्यपाल कौन पहली महिला है आपके राज्य की, आप जिस भी राज्य से हैं, ठीक है।
और प्रधानमंत्री की बात करूं तो हमारे देश में एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है अभी तक। आगे भगवान चाहे बन सकती हैं, कोई भी आए, लेकिन अभी तक इंदिरा गांधी। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट जो आप सिख नेपाल में देखते हैं, इस पर दो बार चढ़ने वाली पहली भार महिला कौन थी? संतोष यादव, भारत की है। ठीक है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह है राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर, मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। याद रखिए ये पुर्तगाली था, ठीक है, पुर्तगाल का था। और याद रखिए सबसे पहले पुर्तगाली हमारे देश में आते हैं और सबसे बाद में आप देखते हैं 61, 1961 तक रहते हैं गुआ पुडुचेरी इन पर। ठीक है, यहाँ आप देखिए कि मतलब सबसे लंबे समय तक ये लोग हमारे भारत में रहे, इनका शासन रहा। बास्को डीगामा कहाँ का रहने वाला था? ये भी पुर्तगाल का था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में, हवा महल जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो है गुरु नानक, गुरु नानक। ये सभी आपने देखा होगा कि बहुत विस्तार में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर चाहे आपकी लूक सेंट जब बुक्स कवर की थी, फिर किरण सामान्य ज्ञान बुक्स कवर की थी, और जब आपकी एनसीईआरटी कवर की हुई है, तो ये सभी फैक्ट वहां से लिए गए हैं। एक तरह से आप सोचिए उन्हीं में से सम्मिलित हैं। आपका वहां बहुत विस्तार से बता दिया गया है। तो आपको लगता है कि विस्तार से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में, मुझे लगता है जहां तक कि जीएस के लिए आपको कहीं नहीं भटकना है। जीएस के लिए मैंने काफी मटेरियल दे चुका हूँ। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वो क्लासें आपकी डली हुई हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम हो आपका, एसएससी, बैंक, रेलवे, या फिर आपका पीसीएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, बिहार पीसीएस, इसके काफी आप देखिए यूपीजी के कवर किया हुआ है, एमपीजी के तो इतने कवर, मतलब इतने अच्छे से कवर करवा दिया है आपका कि एमपीपीएससी में मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद मेंस से, मेंस में या प्रीलिम्स में उससे बाहर क्वेश्चंस कोई जाए। कंप्यूटर साइंस पूरा कवर करवा दिया गया है। तो आप जाइए प्ले लिस्ट में और जीएस के लिए मत पैसा खर्च कीजिए। अगर आपके पास पैसा इतना ही है तो किसी बच्चे को, मतलब इस तरह से आप लोग भी किसी की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, ठीक है, किसी को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का यानी कि सिख धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। आपने देखा होगा सरदार पटेल पहले हमारे गृह मंत्री थे, और आप जानते हैं कि हमारे मतलब कई रियासतें हुआ करती थी, सभी को इकट्ठा करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, और आपने देखा है बहुत ऊंची इनकी प्रतिमा भी लगाई गई है अभी गुजरात में। ठीक है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट के नाम से जानते हैं। क्या? विजय घाट के नाम से जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को। कभी आप लोग लाल बहादुर शास्त्री, इन सभी के लोगों में बायोग्राफी भी इन लोगों की कवर की हुई है, जाकर देखिए आज के नेताओं में, उस समय के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था। उस समय के ने लाल बहादुर शास्त्री को ही देख लीजिए, ये प्रधानमंत्री बने, ये अपनी जो भी सरकारी इन्हें गाड़ी मिली हुई थी, जो भी सुविधाएं, उनका यूज अपने पर्सनल के लिए नहीं करते थे, अपने परिवार के लिए नहीं करते थे। इनके बच्चों ने कई बार बोला एक गाड़ी के लिए कि मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए, तो इन्होंने नहीं, एक फिर इन्होंने गाड़ी खरीदी, उसका ये जीते जी ऋण पूरा नहीं कर पाए, उसका जितना भी जो जितने की थे वो पैसे की, उतना पूरा उसे दे नहीं पाए, चुका नहीं पाए। इनके मरने के बाद एक समझिए आप लोग कि इनके ऋण माफ किया गया इनकी गाड़ी का। और आज के आप लोग विधायक मंत्री को छोड़िए, प्रधानमंत्री को, आप सरपंच साहब को लिख सकते हैं कि एक बार सरपंच ही आने के बाद वो फॉर्चूनर खरी कर देते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग ही तो चुन रहे हैं, हमारी भी गलती है, हम सबकी गलती है उसमें। लुटेरों को चुनेंगे तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हो आप लोग। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने, कौटिल्य ने। किसने? कौटिल्य ने। अब कई लोग बोलते हैं कि भारत में क्या है, भारत में क्या है, तो आप कौटिल्य के बारे में पढ़िए, आप समझिए कि
हजारों साल पहले मतलब हमारे देश में इस तरह के नीति निर्माता, विदेश नीति बनाने वाले, आर्थिक नीति बनाने वाले, राजनीतिक नीति बनाने वाले, हर क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं से बाकी देशों में आप कह सकिए कि यहाँ यहीं से घूम फिर के आगे गया हुआ है। अब आप चाहे बुद्ध धर्म को ले लीजिए, ये भी तो कई हमारे देशों से ही, हमारे देश से ही तो फैला है बाकी देशों में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारंभ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और याद रखिए संविधान का इन्हें जनक भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश को प्रसिद्ध है? जापान को आप लोग सूर्योदय के देश के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह है गोवा। क्या है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ? केरल में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। एक बात और याद रखिए, दिल्ली को राजधानी घोषित की गई थी 1911 में, लेकिन ये दिल्ली पहुंची थी 1912 में, ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये शुक्र। सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। बाघ से पहले शेर हुआ करता था, ठीक है, अब आपका बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। और याद रखिए आपका बाघ या टाइगर ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अभी आपने देखा है नई जनगणना हुई थी, उसमें 2967 बाघ टोटल है हमारे भारत में, जिसमें से 526 आप कहाँ देखेंगे? मध्य प्रदेश में। इसीलिए आप देखते हैं ना कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, टाइगर प्रदेश। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ये सामान्य जानकारी के क्वेश्चन हैं, लेकिन आपके पूछ लेते हैं कई बार, आप लोग बता भी नहीं पाते हैं। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो ये देखेंगे 3:2, 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रगान है किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और राष्ट्रगान जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो ये याद रखिए बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा था राष्ट्रीय गीत। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सर्ग संवत। सर्ग संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? इथे हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने। प्रेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो याद रखिए पीयूष ग्रंथि को। किसे? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रंटजन ने किया था। ठीक है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं ना प्राचीन भारत में, तांबा सांड, सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। आप लोगों को बताना है कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, समझ रहे हैं? प्राचीन काल में आप लोग पढ़े होंगे इतिहास, जब हम लोगों ने विस्तार में बात की थी तब आपने देखा भी होगा, तो आपको नीचे लिखना है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। कैसा? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। जो दिल्ली में महात्मा गांधी जी की समाधि है इसका क्या नाम है? राजघाट। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, तो ये इनकी डेथ कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गौड़ से ने इनकी
ने गोली मार दी थी, ठीक है। और 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यार याद मत रहिएगा, अगर आप कहीं भी क्वेश्चंस में किसी में मुझसे गलती हो जाती है, उसका आंसर गलत बता देता हूँ, तो आप लोग नीचे सुधार के लिख दिया करिएगा, क्योंकि कभी कभी इतने फैक्टर रहते हैं कि उनके बात बारे में गलत बोल जाता हूँ या गलती हो जाती है। तो नीचे आपके लिए सीधे कमेंट बॉक्स खुला रखा हुआ है कि आप लोग लिख सकते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? ये बम्बई वर्तमान मुंबई से ठाणे तक, 1853 की बात है, ठीक है, बम्बई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? ये कोलकाता में की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? ये 1853 की बात है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 की बात है, ठीक है, राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। याद रखिए, अगर आपका आप लोग जिस भी राज्य से हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है, उन्हें भी आप लोग नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, अपने अपने राज्य की। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, कहाँ? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रग वैली थे, ठीक है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की कितने देश सदस्य हैं? 193 के करीब। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं इसमें, ठीक है, टोटल 15। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। इसमें याद रखिए, 5 स्थायी सदस्य इन्हें वीटो पावर मिली हुई है। क्या वीटो पावर? वीटो पावर का सीधा सा मतलब होता है कि आप देखेंगे कि अगर कोई प्रस्ताव आया हुआ है, अगर पांचों उस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। क्या पारित नहीं होगा? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और चीन, ये 5 आपके स्थायी सदस्य हैं। इसमें बदलाव किए जाने की बात की जाती है, क्योंकि आप देखेंगे एशिया से एक देश लिया गया है, रूस, आप कुछ आप समझते हैं, रसिया कुछ उसमें भी है, आपका यूरोप में भी पड़ता है रसिया। अफ्रीका महाद्वीप से एक भी नहीं लिया गया, दक्षिण अमेरिका से एक भी नहीं लिया गया आपका, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें सुधार करने की बात की जाती है, चर्चा चल भी रही है, अब देखिए क्या होता है, आगे मालूम चलेगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में, ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मू, बान की मू। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन है? एक बात और याद रखिए यहाँ कि आप लोग जब भी जा रहे हो, जिस साल भी जा रहे हो, उस साल आप लोग उस साल आप लोग क्या किया करिएगा कि इनके जितने भी आपके संगठन हैं, इनके जो जो भी इनके वो रहते हैं, क्या वर्तमान महासचिव रहते हैं, यानी कि सेक्रेटरी जनरल। तो अभी सितंबर 2000 अगर हम 20 की बात करें, तो अभी एंटीनो गुटरेस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, इसके वान की मू पहले थे। और याद रखिए, जब भी आप लोग पेपर देने जाए, तब आप लोग इन सभी संगठनों के बारे में पढ़ लें, और वैसे संगठनों के बारे में सभी आप लोग बहुत विस्तार से पढ़ लें, क्योंकि मैंने देखा है, और ये जो रिपोर्ट जारी करता है उन्हें भी पढ़ लें, क्योंकि हर बार एक ना एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस में देखिए आप लोग, इसमें हमेशा पूछे जाते हैं, वन डे एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस हमेशा बने रहेंगे। तो आपके विस्तार से पढ़ा चुका हूँ, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची है, उसमें राष्ट्रीय आपके जो भी संस्थान है उन्हें भी कवर किया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी कवर किया गया था। फिर भी आपको लगता है कि कोई छूटा हुआ है, तो आप बताइए मुझे, वो भी कवर आपका करवा दूंगा, ठीक है, उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। वैसे आपका छूटा नहीं होगा, अगर छूटा भी है कोई, हाँ हो सकता है, बहुत संगठन है, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की, अगर संयुक्त राष्ट्र की अगर आपसे पूछे स्थापना की, तो इसका 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था, ठीक है। संयुक्त राज्य इसमें सबसे मतलब 5 जो वीटो पावर मिली हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, और चाइना है।
बेट एंड जिसे कहते हैं आप। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे पहले? ए अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी जो सदस्य होते हैं 10, इनके चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना था? ये दक्षिण सूडान था। क्या था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को बताना है कि विश्व हिंदी दिवस, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है वो आपको नीचे सर्च करके बताना है। थोड़ी आप लोग भी मेहनत किया करिएगा, सर्च किया करिएगा, गूगल बाबा आपके पास है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। याद रखिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपने देखा है जब त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला आता है कि एक हिंदी अनिवार्य भाषा बना दी जानी चाहिए और इंग्लिश अनिवार्य भाषा, और उसमें आप देखेंगे कि वो फिर एक क्षेत्रीय भाषा यानी कि तमिलनाडु की तमिल भाषा हो गई क्षेत्रीय भाषा, तो जो दक्षिण राज्य हैं वो इसमें विरोध करने लगते हैं। ठीक है, वो दुई भाषा सूत्र की बात करते हैं। तो याद रखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों हमारे देश में बोली जाती है। राष्ट्रभाषा का सीधा सा मतलब राष्ट्रवाद या राष्ट्रभाषा बनने का सीधा सा मतलब है कि हिंदी से पूरा देश जुड़ जाए। जिस तरह से हमारा संविधान है, आप जानते हैं संविधान पूरे भारत को जोड़ के रखे हुए, इसी तरह का हिंदी भी हो जाए तो इसे भी हम लोग राष्ट्रभाषा कहने लगेंगे। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? यह अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद। कितने? 4। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए होंगे हुए थे? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। समझ रहे हैं, आजकल भैंस भी रखना बहुत बड़ी बात है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव बीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ये आप देखेंगे 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, इनके बारे में बात कर चुके हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। ये देखेंगे आप लोग 13 देशों के करीब लगती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना की सीमा जितने देशों से लगती है उतने ही देशों से इसकी बुराई चलती है, यानी कि विरोध चलता है सीमा को लेकर। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होती है? ये तूफान आने का सूचक होता है। किसका? तूफान आने का सूचक होता है आपका जो बैरोमीटर में एकाएक तेजी से गिरावट अगर होती है तो आप देखेंगे ये काय का तूफान आने का संकेत दे देता है एक तरह से। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। ये आप देखेंगे हमारे गुजरात राजस्थान में, राजस्थान के भाग में आप अधिकतर देखने को मिलेगा, और ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? ये असम में देखने को मिलेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपका असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ये आपको देखने को मिलेगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, इसे भी याद रखिए। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये छिप्रा या सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे छिप्रा भी बोलते हैं, कई लोग इसे सिप्रा भी बोल देते हैं। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर भी यही है, एमपी का एक शहर है। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ये चांदी है। कौन सी है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन, मीथेन। ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान तिलक साहब ने ये कहा था, बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था ये। ठीक है, उनका एक नारा था ये। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए, 6 साल के लिए। याद रखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे भी कहते हैं आप लोग इसे।
हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत, मार्तंड, ठीक है। तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? ये अवधी भाषा, अवधी बोली में लिखी गई थी, ठीक है। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस को हरियाणा के राजकवि कहते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? एंथेस, यूनान में हुई थी। ये 1896 से शुरू हुआ। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। किसमें? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां कब जीता था? 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ये आप जानते हैं, 4 4 ईयर्स बाद, ठीक है, 4 साल। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में, लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। ये 5 महाद्वीप को इंगित करते हैं, ठीक है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? ये माइकल फिलिप्स, ठीक है, अमेरिका के हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान में, ठीक है। देखिए, अब अभी आप देख रहे हैं कि ये सब चल रहा है, तो अभी क्लियर कुछ कह नहीं सकते, कोरोना महामारी है ना, इसलिए अब जो भी होगा अपडेट बने रहिए। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। बाहर ये कई बार पूछ लेते हैं कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, इस तरह के याद रखा करिए। भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? करडम मल्लेश्वरी। बैक टू वेदास यानी कि वेदों की लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने, ठीक है, दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे, किडनी के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो याद रखिए प्रोफेसर अमृत सेन को। याद रखिए बनर्जी को, अभी आपने देखा है अभिजीत बनर्जी को भी मिला मिला है, ले भारतीय मूल के हैं, ठीक है। सबसे पहले अमृत सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? सहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के ये भी गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी जापान की जोनोको तबाई, जोंको तबाई भी कह तबाई भी कह देते हैं, तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत यानी कि लीवर का, ठीक है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स फ्रेंडशिप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये था उपगुप्त, उपगुप्त। आप देखते हैं कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, उसके बाद एक तरह से पूरी तरह से बदल जाता है अशोक, समझ रहे हैं आप लोग, युद्ध करना छोड़ देता है, अहिंसा के रास्तों पर चलने लगता है, और एक तरह से कह देते हैं कि मौर्य साम्राज्य के विनाश का यानी कि पतन का कारण भी वही है। क्योंकि कोई भी साम्राज्य चलाने के लिए, कोई भी वंश चलाने के लिए, या कोई भी शासक बनने चलाने के लिए, शासन करने के लिए एक शक्तिशाली एक छवि होनी चाहिए। लेकिन अशोक अहिंसा के रास्ते पर, आप समझ रहे हैं, अहिंसा का रास्ता। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। और फिर भी सोचिए आप लोग इतनी महारत हासिल किए हुए था, अशिक्षित था। आज के लोगों को देखिए, पढ़े लिखे होने के बाद भी मतलब बिना पढ़े लिखे लोगों से बुरी हालत। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। आज भी आप देखते हैं सिख धर्म में लंगर प्रथा चलती रहती है, भोजनालय। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस
किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ये था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री हेंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ, ए किसी भी को दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप जी का जिसका होगा वो किसी को भी दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अब ऐसा मत करिए कि आप 24 घंटा वहीं, मतलब कड़ी धूप निकली हुई है और 2 4 10 घंटे के लिए वहीं खड़े रहे, ऐसा नहीं। सुबह 5 10 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं, शाम के टाइम ठीक है। पर मालूम चला कि किसी ने कहा कि आप में विटामिन डी की कमी है, तो आप जाके खड़े हो गए वहां, ठीक है, मालूम चला कि सूख गए। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? ये आप देखेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख ही है ना। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कॉपर निकस ने। किसने? कॉपर निकस ने। विकास वर्ष का संबंध किससे है? ये देखेंगे खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर पंजाब। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये देखिए मुंबई में। अगर आपसे पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई, और अगर आपसे पूछे कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। याद रखिए खेल दिवस भी कई बार पूछ लेता है आपका, 29 अगस्त को, ठीक है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसने जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन को हम लोग खेल दिवस के मना के रूप में मनाते हैं, 29 अगस्त को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। एक तरह से पर्यावरण के प्रति जागरूक बने रहे, इसीलिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी साहब ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। ये भी नारे भी कई बार पूछ लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह साहब ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आज के नेताओं के भाषण बदल चुके हैं, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें देश खाली करके दूंगा या देश बर्बाद करके दूंगा, ये नारा चल रहा है आजकल। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। इसीलिए आज हम बोल मैं बोलता हूँ इसलिए आप लोगों से कि आज के नेताओं की तुलना उस समय के नेताओं से मत किया करिएगा, क्योंकि एक तरह से आप तुलना करके उस समय के नेताओं की आत्मा को आप लोग एक तरह से कहिए कि ठेस पहुंचा रहे होते हैं, उन्हें दुखी कर रहे होते हैं, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क है आज के उस समय के नेताओं में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया था? रामप्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को आप लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का था? राजा राम मोहन राय का। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आपने देखा होगा 1829 में फिर ऐसे प्रतिबंध लगा दिया था इस पर, तो ये सभी राजा राम मोहन राय की को श्रेय जाता है इसका। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी की माँ को महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इनके बारे में महात्मा गांधी की बायोग्राफी हम लोगों ने कवर की हुई है, बहुत विस्तार से बताया गया है, तो जाकर आप देख सकते हैं। बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट सूची है, सभी नेता आपके कवर किए हुए हैं, सबकी जन्म कुंडली उसमें बताई गई है। आगे है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे?
महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। याद रखिए कंप्यूटर की पूरी एक बुक्स आती है, उसे हम लोगों ने कवर किया हुआ था और आपके 1000 से 1500 के करीब क्वेश्चंस भी आपके कवर किए हुए हैं, ठीक है, इसे भी पूरा कवर करवा दिया। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन? ए, याद रखिए, माफ करिएगा, ए नहीं है अब, ठीक है, ये पहले थे, एंटोनियो गुटरेस ने समय, ठीक है, एंटोनियो गुटरेस। जिस समय आप लोग देने जा रहे हैं उस समय याद रखिए, ये आप लोग पढ़ लिया करिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि देखा जाता है कि पूछ लेता है कई बार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को, ठीक है। घेंगा घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ए अग्नाशय है। डोरंड का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? टोटल 22 है। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं रखी गई थी, तो 14 थी, फिर अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा उसे बढ़ाकर 22 कर दिया गया। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। भारत में कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू को कोकिला कहते हैं, ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मालवीय मोहल मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहते हैं। इनकी बायोग्राफी भी कवर की हुई थी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनकी बायोग्राफी से, जाइए देखिए आप लोग। विवेकानंद स्मारक कहाँ देखने को मिलेगा? एक कन्याकुमारी में देखने को मिलेगा। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में देखने को मिलेगा, काठमांडू नेपाल में। इसके मुख्यालय पूछ लेता है, या तो आपसे पूछेगा किसी संस्थान की डेट कि कब बने, या पूछेगा आपसे कितने देश इसमें सम्मिलित हैं, मेंबर कितने हैं, ठीक है। दक्षिण में कितने देश सदस्य हैं? तो 8, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ए 7516 किलोमीटर के करीब। विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन देश किस देश में होता है? भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने, मध्यकालीन भारत में। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। देखिए हर बार आप देखेंगे विटामिन से भी क्वेश्चन आपका हर बार पूछने को मिलता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी 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 ये विटामिन बी की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। अगर आपसे पूछे रिकेट्स, तो विटामिन डी की कमी से। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स, सूखा रोग। किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? स्कर्विक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? ए डी ई के। और याद रखिए बी सी आपका जल में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सिफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी के विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का, ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर का, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो याद रखिए 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी अलग हो चुके थे और उदारवादी अलग। तंजौर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट की दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील में। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? रूस में। कहाँ? रूस में। वर्ष 2014 की कॉमनवेल्थ कहाँ हुए थे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और अगर आपसे पूछे कि संयुक्त संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे आप लोग जीवी मावलंकर भी कह देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था? तो अनुच्छेद 370। आप लेकिन जानते हैं कि अगस्त 2019 में यहाँ से 370 हटा दिया गया है आपका, और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। याद रखिए जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, ठीक है। और याद रखिए अब सभी वो प्रावधान जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे जो अन्य राज्यों में होते हैं, अब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। हमारा पूरा तरह से हमारा हिस्सा बन चुका है वो। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे कि कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। यहाँ आप जनसंख्या के मामले में भी सबसे बड़ा ही एशिया ही है। जनसंख्या के मामले में आप देखेंगे चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर, ये दोनों एशिया के देश हैं, एशिया महाद्वीप में। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान, उसके बाद एमपी। जनसंख्या में पूछे तो उत्तर प्रदेश। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को आप देखेंगे पृथ्वी दिवस मनाते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। याद रखिए योजना आयोग को आपका 2015 में आपने देखा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ चुका है और योजना आयोग का इसने जगह ले ली है, ठीक है। अब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फलज, अबुल फजल। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चितरंजन दास को आप लोग देशबंधु के नाम से जानते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24, 24। भारत में सबसे पहला फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इट्टिपिच, कान की। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग की। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 के करीब। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का, 120 दिन का, ठीक है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या फिर गाल्विनीकरण, गैल्विनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसे भी याद रखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत यानी कि लीवर। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई असम में, सबसे पहले यही। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से, सफेद दूध, ठीक है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन।
भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश 1953 में। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक 712 ईस्वी की बात है। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका क्या नाम था? मेगस्थनीज। इंडिका आप जानते हैं, पुस्तक इसी ने लिखी थी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। एक बात और आपको बता दूं, पाग जो जलडमरू है ये श्रीलंका और भारत को अलग करती है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, पूछ लेता है कि पाक जलडमरू किन दो देशों को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को। कई लोग पाकिस्तान लगा देते हैं, तो मत लगाइएगा, श्रीलंका है। ठीक है, विटामिन्स की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? होती है आयरन क्रोमियम निकल की। ठीक है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टिन की, कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1853 में, सॉरी 1893 में। ये भी कुछ ये डेट कई बार पूछ ली गई, 1893 में। 1893 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। 21 जून को महात्मा बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन हुआ था, 1928 में ये आया था भारत। ठीक है, इसका विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि आपने देखा इसमें कोई भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। वही है कि आपकी क्षेत्र का कोई निर्धार मतलब भाग लिखने जा रहा हो और आपकी क्षेत्र के बारे में उसे बिल्कुल पता ना हो, और आपके क्षेत्र के किसी व्यक्ति को उसमें शामिल ना किया गया हो, तो आप कैसे मतलब आपके बारे में वो सोच सकता है, क्योंकि उसे आपकी स्थितियों के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए विरोध किया जा रहा था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? गिरगोर या गिगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पेस्टीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए, तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुष्क, शुक्र। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वॉटसन एवं किट ने। इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ध्वनि की तीव्रता किसके किस में मापते हैं? डेसीबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? जब आप देखते होंगे कि कोई वेबसाइट आप खोल रहे होते हैं तो उसे क्या कह देते हैं? होम पेज, होम पेज। गाड़ियों में पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये आप देखेंगे उत्तल का, जो गाड़ियों में पीछे का पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या किस तरफ मोड़ रही है, ये सब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आपको बताना है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो ये शुक्र। ठीक है, शुक्र। बाकी आप देखेंगे पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसे भविष्य का ईंधन भी आप लोग बोलते हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाली सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? ए है हेली पुच्छल। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर के करीब। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड के करीब, 500 सेकंड के करीब। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? ये 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। ठीक है, पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श नहीं स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर।
और सॉफ्टवेयर को नहीं, ठीक है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है आपकी? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पूतनिक वन। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो के द्वारा। किसके द्वारा? डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? मेमोरी को। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांध तारा के नाम से जाते हैं? शुक्र को, शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? झोप मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। अगर आप 1 डिग्री देशांतर बढ़ जाते हैं तो 4 मिनट बढ़ जाते हैं, ठीक है, 4 मिनट टाइम बढ़ जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी के नाम से आप लोग जानते हैं? खान, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास के लिए, इसीलिए आप जानते हैं इसे काली कपासी मिट्टी भी कह देते हैं। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नादिर शाह। अब कहते हैं कि यूरोप में ब्रिटेन में रखा हुआ है, अगर ऐसा है तो मुझे हमें लगता है कि लाना चाहिए, हम लोगों को भी देखना चाहिए कि इस कितना चर्चा में रहता है, उस समय कितना ये कीमती था, आज क्या कीमत है। तो हमारे देश के नेताओं को करना चाहिए कोशिश। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत माला। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। कितना? 71%। याद रखिए महासागरों में भरा हुआ है और आपके पीने योग्य 1% से भी कम है, आप समझ रहे हैं, इसलिए पानी की कमी है। वरना अगर सभी पानी हम यूज करने लायक होता तो कभी हम पानी से परेशान नहीं होते, समझ रहे हैं। अब खारे पानी से आप प्यास थोड़ी बुझा सकते हैं, आप नहा थोड़ी सकते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। और सबसे कम लगती है आपकी? अफगानिस्तान से, पीओके वाला हिस्सा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? एथाइल मार्केप्टेन का, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस गैस का प्रतिशत होता है? नाइट्रोजन का, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखेंगे ऑक्सीजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में? ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया था? पाकिस्तान। आपको मालूम होना चाहिए कि 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें एक नया देश उभर के आया था, बांग्लादेश, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय की बात की जा रही है, ठीक है। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट केवी में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। इस तरह के आपके एमपीपीएससी में अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते थे। देखिए अब सिलेबस बदल चुका है 2020 से, अब अभी क्लियर नहीं है कि पेपर हुआ नहीं है, होगा तो उसके बाद मालूम चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पहले एमपी स्पेशल पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया जाता था। एसटीएससी एक्ट आप देखते थे, अधिनियम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का विकास किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर सेन को, ठीक है, सबसे पहले अमर सेन को ही मिला था।
1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से लाया गया था? ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनन ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, इलाहाबाद में। लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। याद रखिए, अगर आपसे पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष, अगर आपसे पूछे कि भारतीय महिला अध्यक्ष, तो याद रखिए सरोजनी नायडू थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम नाम से भगत सिंह को जानते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप, माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। ठीक है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने। किसने? ऊधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? ए 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के साथ समय हुआ था। किसके? लॉर्ड कर्जन। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, प्रथम भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अब 25 हैं। ठीक है, अमरावती बनने के बाद 25 हो चुके हैं। पहले आपके थे कितने? पहले आपके थे 24। ठीक है, अब नया बन के 25 टोटल हो चुके हैं, तो याद रखिए। प्रथम लोकसभा, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जेबी मावलंकर, जेबी मावलंकर। ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, और कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ये आप केरल से संबंधित। कहां से? केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। और याद रखिए, केसर के उत्पादन में जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जहाँ केसर उत्पादन होता है भारत में। ठीक है, बहुत महंगा भी बिकता है, तो याद रखना है आपको। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? ए दामोदर पर। बहुउद्देशीय कहने का मतलब होता है जल के लिए हो जाता है, बिजली के लिए, सिंचाई के लिए, इस तरह से। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीमलेश चंद्र बनर्जी। आप याद रखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की है? सुरक्षा परिषद की। नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था इन्हें। ठीक है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा था? तो अमार सोनार बंगला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। याद रखिए, हमारा राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर की ही देन है। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की ही देन है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। ये 1976 में हुआ था। आपने देखा होगा कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया था, संशोधन किया गया था, तो इसलिए आप एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं इंदिरा गांधी के समय।
गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? एक ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी उपयोग में लाई जाती है गैस? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत। चैत। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। आप याद रखिए, लोकसभा से अगर प्रधानमंत्री बनता है, लोकसभा के जरिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो वो 25 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर वो राज्यसभा से बनता है तो याद रखिए 30 वर्ष की आयु, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत चीन। याद रखिए, आप 1914 की बात है, तो अंग्रेजों के समय की बात है, ठीक है। चीन इसे नहीं मानता है, इसीलिए आप देखते हैं सीमा विवाद हमारा चलता रहता है। चीन कहता है ये अंग्रेजों के समय की बात है, अब हम अंग्रेजों के अंडर में नहीं रहे। तो याद रखिए, प्याज में खाद्य पदार्थ कौन सा है? तना। सर्वपरीक्षा में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य में लोक चित्रकला शैली है? बिहार में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये नेपाल में देखने को मिलेगा। कहाँ? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। याद रखिए, दक्षिणी गंगा कहे आपसे तो कावेरी को, दक्षिण गंगा कहे तो गोदावरी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को आप लोग सितार और तबले का जनक यानी कि पिता मानते हैं। आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या फिर तिब्बत का पठार, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है इसमें प्रयोग, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहले भारतीय कौन था? मेहर सेन। मेहर सेन ये थे जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के, 746 वाट के, यानी कि 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पेष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। यानी कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। आगे स्पष्ट पिति ध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। कितनी? 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो ये देखेंगे निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है? तो आप देखेंगे बैंगनी का। किसका? बैंगनी का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल का। याद रखिए, जो पीछे देखने वाला कांच होता है, ग्लास लगा रहता है गाड़ियों में, उसमें आपका उत्तल लेंस उपयोग होता है, लेकिन वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें आप देखेंगे किस कौन से दर्पण का उपयोग होता है? अवतल का, ठीक है। कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं और क्वेश्चंस भी इसी तरह के पूछ लिए जाते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? आगे विकास के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल हरा और नीला को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी रहती है? हीलियम। वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी रहती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन और कांस्य। सीसा का। टिन, सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेसिकोवा, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। शनिवार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर।
समझ रहे हैं? आप जानते हैं कि दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, तो एक खरीद कर रख लीजिए अपने अपने घर में, जब भी दूध वाला देने आता है तो उसका चेक करते रहा करिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये नाभिकीय संलग्न, नाभिकीय संलग्न पर आधारित है हाइड्रोजन बम। पेलाग्या रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की। मछलियों के यकृत तेल में किसकी विचुरता होती है? विटामिन डी की। और सूर्य से भी आपको विटामिन डी मिलता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस या फिर 98.4 फॉरेनहाइट, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ये देखेंगे डायोप्टर, यानी कि कहने का मतलब है कि लेंस की क्षमता मापने के लिए डायोप्टर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की, खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराशब्द तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में, पुष्कर राजस्थान में। ब्रह्मा विष्णु महेश, समझ रहे हैं, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इसे, ठीक है। पहले कहते नहीं थे कि अगर पागल कुत्ता काट लेता था 24 इंजेक्शन लगते थे, अब वो समय खत्म है, अब एक ही इंजेक्शन में काम चल जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। याद रखिए राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन उपराष्ट्रपति, ये कई बार पूछ लिया गया है। जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति आपका किसी भी सदन का, ना तो राज्यसभा का ना ही लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय क्या है? काठमांडू नेपाल। सार्क भी बोलते हैं, सही दक्षेस बोल देते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, याद रखिए पहली भारतीय महिला पूछ रहा है, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट पहली महिला थी, ठीक है। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901 से। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टंका, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। पहले आप ये टका शब्द बहुत पुराना है, पता है आप लोगों को, पहले हम लोग एक टका, समझ रहे। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि जी ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यह उत्तर प्रदेश, यूपी। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को, पारिया भी कह देते हैं आप लोग। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी के। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? एन। याद रखिए राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र होता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति किसे देता है? आपका राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के अगर चुनाव की बात करें तो इसका चुनाव आनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। इसमें आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक शब्द हमेशा याद रखिए, निर्वाचित, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, चुनाव में। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? ये देहरादून में देखने को मिलेगी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वछेंदी पाल। आप लोगों को बताना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, नीचे लिखिए कमेंट में, ठीक है। इतना तो सर्च करते रहा करिए, ठीक है, क्योंकि जब सर्च करते हैं आप लोग दिमाग लगाते हैं तो काफी समय तक याद भी रख पाते हैं। डेनिस कप का संबंध किस खेल से? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। पहले भी बात कर चुके हैं इनके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और निम्न सदन?
लोकसभा, ठीक है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता, पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़कवासला में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माफ करिएगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ये पूना के पास आपको देखने की मिलेगी, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन दूसरा यहाँ डाल दिया गया, खड़कवासला में डिस्कवरी ऑफ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपकी पूना के पास खड़कवासला में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन दूसरा डाला हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। कभी गलती से हो जाता है इस तरह का मिसप्रिंट, आप लोग समझदार हैं इतना तो एडजस्ट कर लिया करिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72, 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। एक क्वेश्चन भी आपका कई बार बन चुका है, अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी तो आपको बताना है 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। आपसे अगर पूछे कि भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुई तो 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय से, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन हैं, अलग अलग तरीके से पूछे भी जाते हैं। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का, पूर्वी भारत का राज्य। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? एक केरल में देखने को मिलेगा, कहां? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली के। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहां स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र, ठीक है, 23 जोड़े। चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। तो आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ी रात होगी, समझ रहे हैं। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किया गया? मई 1951 में नई दिल्ली में, ठीक है। फिर आपका वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर, कला सोनीपत में। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले वाले भारतीय कौन है? अनिल कोंबली। आप समझ रहे हैं 10 विकेट। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहां हुआ था? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन, उसके बाद हमारा नंबर है। कहा जा रहा है कि कुछ समय के बाद हम लोग चीन को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि किसी क्षेत्र में हम लोग प्रगति कर रहे हो या नहीं, जनसंख्या में बराबर 24 घंटा है प्रगति हो रही है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को, ठीक है। लेकिन 16वीं और 17वीं लोकसभा में किसी को अभी तक मनोनीत नहीं किया गया, और हटाने की बात भी की जा रही है, एंग्लो इंडिया को चुना जाता था, ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB, यानी कि सबसे ये ले सकता है, और सर्वदाता O, ठीक है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। पेनाल्टी स्टॉक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10, कितने? 10 वर्ष। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत का की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वार्डेन पॉवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। याद रखिए, जो जितना बड़ा होगा उतना ही शांत रहेगा, समझ रहे हैं आप लोग। प्रशांत महासागर से इसे तुलना करके देख लिया करिएगा, तो इसलिए आपने जो ज्यादा फेंकता हो तो समझ जाया करिएगा कि ये खाली है।
पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आप लोग जिस साल इसे देख रहे हो, तो जिस साल में आप हो उस साल के आप लोगों को बताना है किसे किसे दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 में। मानक भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है। मैक्सिस पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए 25 हैं, पहले 24 थे, अब 25 हो चुके हैं। हम लोग सितंबर 2020 में देख रहे हैं इसे। ठीक है, तो 25 हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जाफर द्वितीय, ये अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान, आपका पड़ोसी है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है? H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। याद रखिए वोट देना आपका अधिकार है, आप वोट दिया करिएगा। भले आप लोगों को कोई नेता पसंद नहीं है तो नोटा पर ठोक कर आया करिएगा, लेकिन लगा जरूर आया करिएगा। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य मतलब कि आपको जो अधिकार दे दिए गए हैं, एक तरह से आप समझिए आपके मौलिक कर्तव्य भी बनते हैं कि आप देश की सुरक्षा करिए, देश की संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। और आप देखते हैं जब कोई धरना प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, तो सबसे ज्यादा सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाया जाता है, हम अपने मौलिक कर्तव्य भूल जाते हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी समय आप देखेंगे दांडी यात्रा भी की थी। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य, इसमें आप लोकसभा और राज्यसभा सदस्य। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। याद रखिए जब हम लोगों ने भूगोल कवर किया था ना, वर्ल्ड मैप्स की पूरी एक बुक्स कवर की थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि इन सबको मैप्स का सहारा लेकर पढ़ाया गया था, तो उसे जाकर देख लीजिए। भूगोल में मुझे लगता है कि अगर आपको कवर करना है तो उसे ही कवर कीजिए। तो इससे क्या होगा कि मुझे लगता है जहां तक कि 70 से 75-80% तक क्वेश्चन आप सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे ज्योग्राफी की। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, और सिविल सर्विस के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता ही है स्टेट पीसीएस। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का, एमपी में है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ए, हॉकी में। उड़न पारी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर को। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। तो यहाँ आपको एक और क्वेश्चन मिल गया कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रांबे, मुंबई में। सन 1928 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यहीं से इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। समझ रहे हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा, हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? शहनाई से।
ऑस्कर पुरस्कार इसका संबंध किस खेल से? फिल्म से। किससे? फिल्म से। ठीक है। एड्स का पूरा विस्तार क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एचआईवी वायरस के कारण होता है। ठीक है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ देखने को मिलेगा? पटियाला। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में। ठीक है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने। आप लोग कुछ सालों पहले देखते थे रेडियो हर घर में हुआ करता था, लेकिन आज देखते हैं कि मोबाइल ने सबको दबा दिया। किस भारतीय राज्य की भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, कोई भी पूछ लेता है सामान्य ज्ञान के लिए। किस भारतीय राज्य की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी, नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्री माओ भंडार नायक, ये थी श्रीलंका की। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। ठीक है। दीन ए इलाही, ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूँ, उसी समय की। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का विकिरण सबसे कम देखने को मिलेगा। इंद्रधनुष में कितने रंग देखने को मिलेंगे? सात। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है इनकी? 36,000 किलोमीटर के करीब। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड एडवर्ड जेनर। ठीक है। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके अक्सर पूछे जाते हैं। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। परास्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। ठीक है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। एंटीबायोटिक है। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? यह शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी पूछे आपसे? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ता को। आपसे कुछ समय पहले मैंने क्वेश्चंस भी पूछा था, तो याद रखिए कुत्ते को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू जानवर बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आजकल आप लोग सब लोग इसका उपयोग करते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LWV शब्द किस खेल से है? क्रिकेट से। किसके? क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत। आपको बताना है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों की सभी दिवस मैंने कवर करवाए हुए थे, तो आप देखिए महत्वपूर्ण दिवस के नाम से प्लेलिस्ट सूची होगी। 12 महीने के जौन भी दिन है और जिस रूप में मनाए जाते हैं उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात की है, तो ओजोन परत के बारे में सर्च करिए, आप लोग नीचे लिखिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, BC में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। सलार जंग म्यूजियम कहाँ देखने को मिलेगा? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल की थी। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। कौन सी? नील। किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? दलीप ट्रॉफी आपकी क्रिकेट खेल से संबंधित है। LPG का पूर्ण विस्तार क्या है? पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है? एक तिहाई सदस्य।
इसलिए आप देखते हैं कि स्थायी सदन है। इसके क्या होता है, हर 2 साल में क्या देखेंगे, एक तिहाई सदस्य हटते रहते हैं, नए आते रहते हैं। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे, सरयू नदी। जयपुर की स्थापना किसने की थी, आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, 1951 में। डोरंड कप किस खेल से संबंधित, फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, रुडयार्ड किपलिंग को। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसे इन्हें आप लोग आप देखते होंगे कि संविधान का पिता भी कहते हैं, जनक। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को आप देखेंगे श्रमिक दिवस मनाते हैं। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया, ये सतलुज नदी पर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, नागासाकी पे देखेंगे 9 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, यानी कि निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर साहब। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, इसे कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। आगे है आपका महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी, तो याद रखिए महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। किसने, नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, अगर आपसे जन्म की पूछे तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1869। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो भारत में चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। कब, 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा में के मंदिर किस धर्म से संबंधित है, ये याद रखिए जैन धर्म से संबंधित, किससे, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, ये महानदी पर, किस पर, महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, शाहजहां ने, किसने, शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, अशोक, अशोक चक्र। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ देखने को मिलता है, करनाल हरियाणा में, करनाल ये आपके हरियाणा में। ठीक है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, इसे कहते हैं आप लोग धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 8 अक्टूबर को। कब, 8 अक्टूबर को। ठीक है, 1526, 1556 और 1761 की 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे, ये पानीपत के हरियाणा में हुए थे। याद रखिए इन्हें क्रमशः 1526 का प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, द्वितीय हुआ आपका 1556 में, तृतीय 1761 में। ठीक है, ये पानीपत जगह है हरियाणा में, उसी के नाम पर इसका पानीपत नाम रखते हैं। किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश से, 2014 में। भारत की पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, ये अरब सागर आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा, पेरिस फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई, 1995 में, 1995 में। ठीक है, गैट को प्रतिस्थापित करके आया हुआ था WTO। ठीक है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति देन है, किसकी देन है, फॉरवेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, 1961 में। ये आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ते होंगे जरूर। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे, ये अकबर की। कौन 4 वर्ष तक अखबार का संरक्षक रहा है, बैरम खान, बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्यंत्र से, यह है सितार से, किससे, सितार से। पेनल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से, हॉकी से, किससे,
हॉकी से है इनका संबंध, हॉकी से। ठीक है, उत्तर भारत में सदियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये आपको क्रिकेट खेल से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी किसे है? क्रिकेट खेल से। रूस की मुद्रा कौन सी है? ए रूबल। कौन सी है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? ए है लोथल। कौन सी है? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है। ठीक है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? ये 24वें नंबर के थे, 24वें नंबर के। आपकी महावीर स्वामी की भी बायोग्राफी हम लोगों ने कवर की हुई है, आपके बुद्ध के गौतम बुद्ध की भी बायोग्राफी कवर की थी, सबकी बायोग्राफी कवर की हुई है, आपको जाकर देख सकते हैं, बायोग्राफी के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची है जीवनी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? विभा पाटिल। ठीक है, विभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? ये महानदी पर। किस पर? महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? दो। कितने? दो, 0 1। लैन का विस्तार क्या होगा? इसका पूरा नाम क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 में। आपने देखा था 1458 के करीब आते हैं लोग, और आप देखते हैं कि कब तक रहते हैं? 1961 तक इनका कुछ हिस्सों पर कब्जा बना रहता है। बक्सर का युद्ध हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। कब हुआ था? 1764 में। प्लासी का हुआ था 1757 में, और ये हुआ था आपका 1764 में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। 1773 में 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? बर्मा, म्यांमार। ठीक है, पहले बर्मा बोलते थे, आजकल आप लोग म्यांमार कहते हैं इसे। गांधी जी की दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये सातवां। कौन सा? सातवां। और जनसंख्या के मामले में कौन सा है? दूसरा। ठीक है, पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में चाइना, और क्षेत्रफल में अगर पूछे तो रसिया, रूस। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया है? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। जनगणमन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ देखने को मिलेगा? ये पटना में देखने को मिलेगा। कहाँ? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? ये तो ये थे विलियम जॉन्स। कौन थे? विलियम जॉन्स। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। ठीक है, 1969 में। याद रखिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, आप देखते हैं 6 बैंकों का 1980 के करीब। ठीक है, तो 69 में पहली बार किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो याद रखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, और 21A के तहत 21 का आपका जोड़ दिया गया था। ठीक है, यह भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो याद रखिए, संपत्ति के अधिकार को। पहले आप देखते थे 7 अधिकार हुआ करते थे हमारे। ठीक है, फिर आपने देखा है कि मौलिक अधिकार 6 बचे हुए हैं। तो संपत्ति के अधिकार को आपने देखा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था। इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया 301 के तहत। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। क्या कहलाती है? कर्क रेखा।
सशक्त सेना झंडा की दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। कब? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? ये बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां थी? जम्मू और कश्मीर की थी। अब तो भूल जाइए, पहले 2019 के पहले आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछता तब। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। और याद रखिए, अभी जम्मू कश्मीर के बारे में ज्यादा कुछ आंकड़े अभी आए नहीं है, तो 2021 की जनगणना के आंकड़े आने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग आप लोगों को बेहतर बता पाएंगे, ठीक है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव साहब। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। कौन सी? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है, यानी कि करेंसी क्या है? क्यात। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? झौ मंडल में। किसमें? झौ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? ये दक्षिण चीन सागर। इसको आप देखते हैं, चाइना पूरा अपना कब्जा ठोकता रहता है, ठीक है, और ये विवाद में भी बना रहता है। गौतम बौद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? इसे कहते हैं महानिष्कर्षण, महावी निष्कर्मण, ठीक है, महावी निष्कर्मण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी गई है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद पर भी फिसने चिन्ह लगा हुआ है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? तो सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, चीन, नेपाल, भूटान से। नाथुला दर्रा किस राज्य में? ये सिक्किम में देखने को मिलेगा। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? एक कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? श्रीधरन। श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी किपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी किपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? ए मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 महीने के लिए। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 और वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। क्या है? परिवर्तित रूप है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? असहयोग आंदोलन। ये 1922 की बात है, 1920 में चालू हुआ था, 1922 में रोक दिया गया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। जैन दवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? याद रखिए, 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रगान। और अगर राष्ट्रगीत की आपसे पूछे तो ये 1896 में ये भी कोलकाता में आपका गाया गया था, ठीक है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। H2O। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? आप सभी जानते हैं, हीरा। क्या है? हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री साहब। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326। दासिक
द ग्रेट सिकंदर, इसके बारे में भी हम लोगों ने बायोग्राफीज की कवर की हुई पूरी जिंदगी। 326, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2/11/18, ये भी सामान्य जानकारी है फिर भी पूछ लेता है, 2/11/18, ठीक है। चलिए आप, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य आपके अमेरिका से नहीं? एक सेकंड रुकिए, मौलिक कर्तव्य क्या है कि देखिए क्लियर बता दिया जाए, थोड़ी जानकारी और दे दी जाए, पता नहीं क्वेश्चन बन जाए और आप लोग कहें कि गलत करा बैठे तो फिर मुझे आप लोग कोसने लगे, तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। यहां कुछ और जानकारी बता देता हूं मौलिक कर्तव्य के बारे में। सरदार स्वर्ण सिंह संधि की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में, ठीक है। तो ये 11 हैं, कितने हैं? 11 हैं। पहले थे आपके 10, फिर एक और जुड़ गया था माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, 86वां संशोधन द्वारा, ठीक है। तो याद रखिए ये रूस के संविधान से लिए गए हैं और हमारे संविधान के भाग 4 का कि अनुच्छेद 51 का में रखे गए हैं। और किसकी अनुशंसा पर लिए गए थे? तो याद रखना सरदार स्वर सिंह समिति, 42वें संविधान संशोधन 1976। क्या है कि कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है इसमें, ठीक है, याद रखिए। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 356। प्रोटोन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? ये तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखना 483 BC में, ईसा पूर्व में, राजगृह में, अजातशत्रु का शासनकाल था उस समय। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा सवाना, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? 80, उत्तर प्रदेश में। याद रखिए उत्तर प्रदेश में ही सभी सीटें हैं, फिर चाहे आप विधायक की ले लीजिए 403 के करीब, आप लोकसभा की ले लीजिए 80 के करीब, 80, और आप राज्यसभा की लीजिए 31, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा वही है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम या कुंडा ग्राम वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 ईस्वी यानी कि AD कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के समय। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% के करीब। नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन ही है आपकी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? होती है 1,676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। कहाँ? सोनपुर बिहार में। 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? तो याद रखिए उत्तर दक्षिण कोरिया को अलग करती है, एक तरह से बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पढ़नी ने, ठीक है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो याद रखिए 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए, ठीक है। भारतीय प्रादीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक का जो तट है समुद्री तट, इसे क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? लगभग 324 के करीब इसमें द्वीप हैं।
42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो याद रखिए, धर्म निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, ये संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ था। 1 रुपए के नोट पर किसने किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया, हम लोग वित्त मंत्री कह देते हैं या फिर कह देते हैं कि RBI गवर्नर के। तो याद रखिए, जो 1 रुपए का नोट आता है उसके उस पर हस्ताक्षर होते हैं सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? 6 माह। कितनी? 6 मास। ऋतु संगार कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। किसकी? कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो उन देखिए, एक क्लियर है कि आपका बदलता रहता है, अभी आपकी ये रिपोर्ट अलग अलग तरीके से आती है। ठीक है, 2018 की, 2019 की जो रिपोर्ट आई हुई है, अब 2021 में आएगी, 2017 की आई थी, तो उसमें बदलते रहते हैं। ठीक है, तो अभी 2021 में देखा है तो वन आवरण की आपका बताया गया है कि 24% के करीब। ठीक है, तो आप लोग उस रिपोर्ट को देख जरूर लें। ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड। वर्डी, ईगल बॉगी, पार्टी और हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। सामर झील जिसके नाम नमक बनता है किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था, यानी कि इसकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। किसने? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल ने बनवाए थे, याद रखिए। ये आपका MP में पड़ता है खजुराहो, छतरपुर जिले में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हुई थी, हरिहर और बुक्का ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण गुजरात में। मेन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? अडोल्फ हिटलर की। ठीक है, याद रखिए। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। ठीक है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? ये 1025 ईस्वी की बात है। ठीक है, कौन सा अभ्यारण एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा असम में। ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लूटो ने। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 ईस्वी की बात है, AD की। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल की गई थी? 1928 के एम्स्टर्डम होलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कब कहां दफनाया गया था? सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का। NCC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। कब? 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। कौन सा? सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसप्पा, जो सरावती नदी पर कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 385,000 किलोमीटर। चंद्रमा और एक तरह से आप कहिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 385 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। याद रखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी आपकी। ठीक है, फिर अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा इसे बढ़ाकर 12 हो चुकी है। सूर्य का विकास चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ये आपका 8 मिनट के करीब। ठीक है, 500 सेकेंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मैसूर।
माफ करिएगा, नील नदी का उपहार पूछ रहा है कौन सा देश, मिस्र कहलाता है, मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन इसमें अटल बिहारी वाजपेयी दिखा रहा है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और अगर आपको लगता है कि सर्च करिए, मुझे लगता है कि मुझे तो क्लियर पता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने, फिर भी आपको लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी, तो थोड़ा सर्च करके लिख दिए, हो सकता है इनने भी दे दिया हो। ठीक है, घाना देश का पुराना नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तबला से। अमेरिका की कुछ किसने की, ये 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ठीक है, याद रखिए क्या था कि भारत की खोज के ही लिए निकला था, लेकिन धोखे से पहुंच गया था एक नई दुनिया में जो अमेरिका थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, 1496 के कलकत्ता अधिवेशन में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायुयान की खोज किसने की, ओलिवर और विलीवर राइट बंधु ने, राइट बंधु आपसे पूछ लेता है। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बनार्ड ने, ये दक्षिण अफ्रीका के थे। सात पहाड़ियों का नगर कौन सा है, रोम। ठीक है, सख संबत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी, रेडियम पियरी और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, 165 मीटर, 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है, शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है, थाईलैंड, कौन सा है, थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, चिपको आंदोलन से, किससे, चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, चितरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू साहब ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 की बात है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931। ठीक है, इन तीनों नामों को याद रखिए, कई बार दो नाम दे देता है और तीसरा पूछता है आपसे कि कौन था वो जिन्हें इन दोनों लोगों के साथ फांसी दी गई थी, तो याद रखना भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। माउंट एवरेस्ट का सबसे पहले, पर सबसे पहले कौन चढ़ा, तेंजिंग नॉर्के, तेंजिंग नॉर्के और एडमंड हिलेरी। ठीक है, ये भारतीय नहीं थी, क्या है, ये तेंजिंग नोर्गे, ये नेपाली थी इनकी, पता है, लेकिन आप देखेंगे कि इनकी मृत्यु होती 9 मई 1986 को दार्जिलिंग भारत में, तो वैसे इनका जन्म हुआ था नेपाल में। ठीक है, और राष्ट्रीयता इन्हें नेपाल की मिली हुई थी, तो पता नहीं भारत को कैसे दे दिया, लेकिन नेपाल की थी, एडमंड हेलेरी न्यूजीलैंड की थी। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तबला से। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में, 1896 के अधिवेशन में, कोलकाता में। सापेक्षता का सिद्धांत ये एल्बर्ट आइंस्टीन। ये दोबारा क्वेश्चन आपके क्या हुए, रिपीट हो रहे हैं। पद्मावत की रचना किसने की है, मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने। अमेरिका की पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क ने, किसने, बिस्मार्क ने। सोजे वतन किसने लिखी थी, मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है, सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी, तो ये था जहांगीर, कौन था, जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था, गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी, दिवाली के दिन। कादम्बरी किसकी रचना है, बाणभट्ट की, किसकी, बाणभट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश में।
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन। पेंसिल की लीड किससे बनती है? ग्रेफाइट से। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन डॉक्टर अस्थाई अध्यक्ष थे, इसके सभा के अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, स्थाई थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? ब्रह्मी में। रिवर्स कलक कलक कल फ्लैग का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। शुष्क शैल में क्या होता है? अमोनियम अमोनियम क्लोराइड। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। विश्व में सबसे बड़ा नागतंत्र यानी कि जो नाग देखते हैं ना, किस देश में? भारत में। लाल तिकोन किसका? तिथि चेन्नई। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। किसने? अशोक ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री साहब के। याद रखिए वास्तविक शक्ति तो आपकी प्रधानमंत्री में ही होती है। ठीक है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वाल्कनीकरण। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 की बात है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या फिर 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? राई सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? संस्कृत में। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? ऊधम सिंह ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंदावल। असम का पुराना नाम क्या है? कामरू। क्या है? कामरू। प्रोजेक्टर टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? सल्फर के कारण। सल्फर के कारण। केंद्रीय राज संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? यह सहकारी आयोग। सहकारी आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियन कहते हैं, से ल्यूटिन भी कह देते हैं, इंग्लैंड का था। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों का समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये मदुरै तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। किसमें? भारत में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाई मुड़ी। दक्षिण भारत का पूछ रहा है, ठीक है, अनाई मुड़ी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा पर। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट पर क्या नाम, तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। नीली क्रांति के संबंध किस क्षेत्र से? मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में, आपके मोदी और अमित शाह के राज्य में। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह जम्मू कश्मीर। सबसे ज्यादा कहाँ वर्षा होती है? मासिन राम आप देखेंगे मेघालय में। ठीक है, विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय में, मासिन राम जगह पर। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। पता नहीं किसने इसमें शामिल, पता है आपको, ये विश्व में कहलाते हैं हरित क्रांति के जनक, विश्व में डॉक्टर नॉर्मन, और क्या कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत में एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में अगर भारत के बारे में पूछे तो एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव में हुई थी? तो ये है मेथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, MIC भी बोल देते हैं इसे। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द सौ, स्वराज शब्द का
सबसे पहले एक तरह से प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग का की स्थापना 1906 में हुई थी। कब? 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक साहब ने। भारत का प्रथम वायस राय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र में था? भू राजस्व व्यवस्था से। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। पोलियो का टीका किसने बनाया था? जोनास साल्क ने। ठीक है, जोनास साल्क की टीका भी कह देते हैं इसे। कर्नाटक के सेवनवेलगोला में किन जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। याद रखिए, पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, लेकिन वोटर वोट देने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन की। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपेरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार के संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। किससे? कुश्ती से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1815 में कलकत्ता में किसने आदमीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल। आप लोग भी ख्याल देखते रहते हैं ना, ये मैं भी तुम्हारी याद में ताजमहल बनवा दूंगा। ठीक है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो ये था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पुरी उड़ीसा में। पुरी उड़ीसा में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किसके बीच और कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में। देखिए, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, द्वितीय हुआ था 1192 में। पहले में आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरे में हारा था, मोहम्मद गौरी द्वितीय में विजय हुआ था। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। देखिए, वैसे याद रखिए कि शून्य की खोज कह देते हैं कि अज्ञात भारतीय ने की थी, किसी अज्ञात भारतीय ने, नाम क्लियर पता नहीं, कई जगह आपको आर्यभट्ट भी दे देता है। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। पूछ लेगा कि सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद, और अर्धकुंभ 6 साल बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? हरिद्वार गंगा, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन, छिपरा, नासिक, गोदावरी। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी याद रखिए, इसकी पता है आप लोगों को, जून 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 2014 में आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, और बनाया गया था। ठीक है, इसकी बात बताऊं तो इसका राजधानी हैदराबाद हो गया, और इसमें राज्यसभा सीटें आपकी 9 है। कितनी है? 7 हैं राज्यसभा सीटें, 7 हैं तेलंगाना में। लोकसभा सीटें आपकी 11 है, सॉरी
माफ करिएगा, कहाँ से क्या बोला। राज्यसभा सीटें 7 हैं, लोकसभा सीटें 17 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7, लोकसभा सीटें 17 हैं, विधानसभा सीटें 119 और विधान परिषद 46 सीटें हैं। ठीक है, 2 जून 2014 को राज्य बनाया गया था ये। ठीक है, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम था? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में, डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? ये बढ़ती रहती है, ये आपके लिए मायने नहीं रखता है, जब करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़ते रहेंगे, अपडेट होते रहिए। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग? पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला? लद्दाख। और देखिए, अब 2021 की जनगणना आएगी, जनगणना के तब और क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ लद्दाख में अगर हेर फेर होता है तो मालूम चल जाएगा। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ है? अंटार्कटिका। पृथ्वी पल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? 29.2% पर। ठीक है, बाकी पर जल देखेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तीबू द्वीप और न्यूमोर द्वीप पर। ठीक है, एक तो हमारा पता है भारत सबसे ज्यादा अपने ही विवादों से घिरा हुआ है, अपने पड़ोसों जो भी राज्य हैं, देश हैं, उनसे हर से लगभग लगभग कोई ना कोई विवाद चलता ही रहता है हमारा। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? ये 5 घंटे, 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां क्या था? 33 साल नामक सागर। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड में। उत्तराखंड, याद रखिए, पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार, केरल में। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती थी? सदा ए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी थी? एंथेसाइट। देखिए, पाकिस्तान का वही हाल है कि कुत्ते की पूंछ पुगैया में डाली, जब निकाली सो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। आज तक जब भी पाकिस्तान ने उकसावा किया है, हर बार मुंह की खानी पड़ी, हर बार हारना पड़ा, फिर भी अपने बाज नहीं आता है। हम लोग हाथ शांति का हाथ बढ़ाते हैं, वो फिर भी गद्दारी करता रहता है, उसका भुगतान भी करता रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला था? मोहन जोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के करीब। भारतीय इतिहास में बाजार मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा किसे कहा जाता है? पोलो को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को। गेमी बट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच को दूर की दूरी कितनी होती है? 4 फुट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? ब्राजील ने। अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में, अंतरिक्ष एजेंसी है हमारी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिणी गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए? एड्स के लिए। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया गया है, एड्स के लिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी। खुरपका और मुहपका रोग किस किन में पाया जाता है? गाय और भैंस में, पशुओं में। ठीक है,
सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? बिट कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? 27.78%। और आप देखेंगे आधी से अधिक जनसंख्या आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंग अनुपात कितना है? 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की का प्रतिशत 1000 पुरुष का अनुपात सबसे कम है? हरियाणा में। सबसे ज्यादा केरल में। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस का आयोग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ है? आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों के कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? याद रखिए अभी आपके 6 बचे हुए हैं, पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी जुड़ा हुआ था जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और अखंडता। ये कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिए 3 शब्द, समाजवादी, धर्म निरपेक्षता और अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किन मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा को। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है? टिम बर्नर्स-ली। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी के संबंध किस खेल से? तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल कितनी भाषाओं में लिखा होता है? ये 17 के करीब लिखा रहता है। ठीक है, फ्रांस क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ये भी कई बार पूछ लिया गया है आपके वनडे एग्जाम में। दुनिया के मजदूरों मजदूरों एक हो जाओ नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन थी? फ्रांस की राज क्रांति की। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैक्सिस पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC यानी कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब शुद्धतम रूप कौन सा है जल का? तो वर्षा, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस तरह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल। हवाई जहाज वायुमंडल में किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। शांत रहता है इसलिए यहाँ उड़ सकते हैं। जोमंडल की धरातल में अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। कहीं आपको 8 किलोमीटर भी देखने को मिलेगी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सेप्टंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा साहब ने। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था और भारत रत्न भी दिया गया। लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन में। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बीयुक्त कारतूसों का सेना में प्रयोग। याद रखिए चर्बी वाले कारतूसों का एक तरह से कहा गया था कि ये सुअर और गाय की खाल से बनाए गए हैं। ठीक है, और सुअर जानते हैं कि मुस्लिमों में और गाय हिंदुओं में पवित्र पशु है, इसलिए ये तत्कालीन कारण बना। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्ला खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? 1856 में डलहौजी के समय। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू थी? 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने, कर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच।
किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की श्रेणियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं की। किसकी? हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में, किस खुशी में बनवाया था? तो गुजरात जीतने की, गुजरात विजय करने की खुशी में। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। जिसका सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं आप लोग? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व होता है? निकोटिन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 मास के। याद रखिए आर्टिकल 123 के तहत ये जारी करते हैं, ठीक है। और याद रखिए 6 मास तक, यानी कि जब होता है अध्यादेश लागू हो, फिर आपका संसद का कोई भी सदन नहीं है, तब नहीं सत्र में नहीं है, तब ये लाया जाता है। और फिर देखेंगे 6 सप्ताह के भीतर जब भी सत्र शुरू होता है तो उसके 6 सप्ताह के भीतर इसे पास भी करवाना होता है, वरना ये रद्द हो जाता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम का। मानव शरीर में रुधिर वहन का कार्य कौन सा अंग है? तिल्ली या पीलिया, स्पिलीन भी कहते हैं इसे। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केरोटीन के कारण। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामाने। मैडम भीकाजी कामाने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का कौन सा मात्रक है? ओम। फ्यूज के तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे.जे. थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हान ने। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम की। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहे के, लोहा के। कार की बैटरी में किस नस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। मातकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? सन 1971 में। समझ रहे हैं? भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश नया राज्य देश बना था 1971 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को हुआ थे। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। रक्त सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। जो हानिकारक जीव होते हैं उन्हें मारने का काम करती है एक तरह से, WBC। अर्थशास्त्र का जनक कौन सा कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। बीजक की रचना संत कबीरदास ने। चांद बीवी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गजिया। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आस्पंद विधि द्वारा। तुलबोल परियोजना किस नदी पर है? झेलम पर। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या होना चाहिए? 1/10 सदस्य उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, बैठक करने के लिए। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं? काली मिट्टी को, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या है? झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। अगर इनमें कोई क्वेश्चंस गलत है तो आप लोग नीचे सुधार कर लिख दिया करेगा, ठीक है। गलती हो जाती है, कहीं कहीं गलत प्रिंट भी हो जाता है, बताने में भी गलती हो जाती है। तो पढ़ते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके हैं ये, ठीक है।